बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर, हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स से क्यों ज्यादा होती है? डियर, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, ये पीरियाडिक टेबल के सेकंड ग्रुप की एलिमेंट्स हैं। लाइक जिस तरह आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, ये तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जबकि अल्कली मेटल्स पीरियाडिक टेबल के ग्रुप वन की मेटल्स हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल हैं। क्वेश्चन ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज अल्कली मेटल्स से ज्यादा क्यों होती है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज देन अल्कली मेटल्स बिकॉज देयर एटम्स आर स्मॉलर एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। That is why they are reactive but less than alkali metals. There, ये जो alkaline earth metals होती हैं, like beryllium, magnesium, calcium, strontium और barium, इनकी ionization energy alkali metals से ज्यादा होती है, क्योंकि इनके atom का size alkali metal के निस्बत कम होता है और nuclear charge ज्यादा होता है। इसी वजह से alkaline earth metals reactive होती हैं, लेकिन alkali metals की निस्बत कम reactive होती हैं। आपने डेर ये last टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब आप मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। तो लिहाजा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। इसी वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो आप ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी, वो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से क्या होती है, कम होती है।